आर्थिक एवं सांख्यिकी संघ ने प्रदेश यूनियन के आह्वान पर सांख्यिकी विभाग के अधीनस्थ कर्मचारियों की लंबित मांगों का निराकरण नहीं होने के कारण कर्मचारी पिछले 5 दिनों से आंदोलन पर उतर आए हैं। प्रदेश यूनियन के आह्वान पर जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपने के साथ काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज करवाया। कर्मचारियों ने जल्द मांगे माने जाने की अपील सरकार से की है। राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी संघ के बैनर तले सांख्यिकी विभाग के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा लंबित मांगों को निराकरण नहीं होने से शुक्रवार से ही आंदोलन की राह पर है और विरोध प्रदर्शन जारी है। सोमवार को भी कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। सांख्यिकी संवर्ग के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा 1 मई से 4 मई तक कार्य का बहिष्कार करते हुए दोपहर 1 से 4 बजे तक रोजाना जिला मुख्यालय पर हल्ला बोल कार्यक्रम किया जा रहा है। उपाध्यक्ष मूलचंद जानी ने बताया कि 5 मई को समस्त एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो जयपुर कूच किया जाएगा। हमारे जो विभाग से लंबे समय से जो लंबी मांगे चल रही है 13, उन मांगों को पूर्ण करने के लिए हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा था, जिसके अंदर हमने प्रमुख हमारी जो मांगे थी उसको अवगत कराया था। प्रमुख मांग ये थी कि हमारे पंचायत समिति में जो पोस्ट समाप्त कर दी थी उनको सर्जित कराना और विभिन्न सांख्यिकी संवर्ग की पोस्ट सर्जित कराना, टेंडर रिव्यू कराना, इन मांगों को लेकर हमने ज्ञापन सौंपा। कल हम विरोध प्रदर्शन किया, इसलिए हम काली पट्टी बांध के विरोध कर रहे हैं। संघ के प्रवक्ता अशोक कुमार गौर ने बताया कि विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी सकारात्मक निर्णय नहीं किया जाता, जयपुर में महापड़ा कार्यक्रम की रणनीति तय की जाएगी। विरोध प्रदर्शन में सहायक सांख्यिकी अधिकारी नगर परिषद बाड़मेर, गणपत सांख्यिकी निरीक्षक अरविंद कुमार, सहायक सांख्यिकी अधिकारी लोकेंद्र, लक्ष्मण विष्णु, राकेश खिलेरी तथा संगण विक्रम अधिकारी उपस्थित रहे।